विपक्ष के सवालों से संसद में मोदी सरकार बुरी तरह से घिरी हुई दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से जो जवाब विपक्ष के सवालों पर दिए जा रहे हैं उसमें भी वो घिरती दिख रही है, क्योंकि विपक्ष सबूतों के साथ सरकार के जवाब को झूठा बता रहा है। सरकार की पोल खोलने में जुटा है और इस बार विपक्ष के निशाने पर है मोदी सरकार के कृषि मंत्री। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों की समस्याओं को लेकर इस समय विपक्ष मोदी सरकार पर दबाव बना रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री पर संसद को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला और दिग्विजय सिंह ने कहा कि कृषि मंत्री ने राज्यसभा में झूठ बोला है, उन्होंने गलत आंकड़े पेश किए हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार का चरित्र और चेहरा किसान विरोधी है। एक तरफ कृषि मंत्री संसद में कहते हैं कि किसानों को लागत पर 50% का मुनाफा देंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया। कृषि मंत्री सदन को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि सदन में भले ही किसानों को लागत पर 50% मुनाफे की बात की जाती है, लेकिन सरकार ने 6 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथ देकर कहा कि किसान को लागत पर कभी भी 50% मुनाफा नहीं दिया जा सकता। तो वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के कृषि मंत्री को झूठ बोलने की आदत है। दरअसल चौहान ने दावा किया था कि कांग्रेस सरकार ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। इस दावे को खारिज करते हुए दिग्विजय ने कहा कि कमलनाथ सरकार ने करीब 37 लाख किसानों का कर्ज माफ किया था। शिवराज सरकार के कृषि मंत्री ने भी अपने बयान में कहा था कि कांग्रेस के समय किसानों का कर्ज माफ हुआ है। दिग्विजय सिंह ने शिवराज सिंह चौहान के उस दावे को भी खारिज किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब साल 2003 में दिग्विजय ने मुख्यमंत्री का पद छोड़ा था, तब मध्य प्रदेश में सिर्फ 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी, जबकि वास्तव में 1997-98 में राज्य में 33 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, उनकी सोच वास्तविकता में किसान विरोधी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।